मुकेश बताएं कितने स्कूलों को ये धमकी भरा ईमेल आया है, ईमेल में क्या कहा गया है और फिलहाल अभी स्थिति क्या है? देखिए सुबह 4 बजे से जो ईमेल्स हैं वो आने चालू हुए। हालांकि जो ईमेल है सभी स्कूलों को एक ही तरह का ईमेल भेजा गया है और जो ईमेल का जो कंटेंट है वो एक ही है। इस ईमेल में ये कहा गया है स्कूलों से कि उनके स्कूल के अंदर कई जगहों पर बम रखे हुए हैं। इस मेल में जिहाद का जिक्र है और कई सारी बातें, करीब 2 पन्ने का ये पूरा ईमेल है। और जैसे ही स्कूलों को इस मेल के बारे में जानकारी मिली उसके बाद अलग अलग स्कूलों की तरफ से दिल्ली पुलिस को कॉल किया गया और जो स्कूल दिल्ली के बाहर है यानी नोएडा में है वहां से भी जो नोएडा पुलिस है उसको कॉल किया गया। तो अलग अलग स्कूलों में दिल्ली पुलिस की टीमें, नोएडा पुलिस, जो NCR की टीमें हैं वो पहुंची हैं। बॉम्ब स्क्वाड के साथ सभी स्कूलों में सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और अब तक की जानकारी के मुताबिक किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध सामान अब तक नहीं मिला है। लेकिन निश्चित तौर पर जिस तरह से कॉल्स हुई हैं, जिस तरह से मेल आया है उसके बाद स्कूलों से बच्चों को बाहर निकाला गया और बच्चों के घर वालों को स्कूल की तरफ से मैसेज जा रहे हैं कि अपने बच्चों को घर ले जाए क्योंकि स्कूल एक विशेष परिस्थिति कारण स्कूल जो है वो फिलहाल आज बंद रहेगा। तो अलग अलग स्कूलों से अब बच्चों के घर वालों को मैसेज आने शुरू हो गए हैं और उस मैसेज में कहा गया है कि अपने बच्चों को घर ले जाएं, स्कूल आज बंद रहेगा। तो एक तरह का पैनिक जरूर फैल गया है बच्चों में, बच्चों के घर वालों में। लेकिन राहत की बात यह है कि किसी भी स्कूल में कोई संदिग्ध सामान अब तक नहीं मिला है और दिल्ली पुलिस को ऐसा लगता है कि किसी शरारती शख्स ने ये जो मेल भेजा है, किसी एक शख्स ने ये मेल भेजा है क्योंकि जो मेल का कंटेंट है वो एक है और एक ही तरह का मेल कई स्कूलों को भेजा गया है जिसमें साउथ दिल्ली का अमृता विद्यालय है, जो DPS द्वारका है, संस्कृति स्कूल है जो कि लुटियन जोन में है, काफी हाई प्रोफाइल स्कूल माना जाता है, DPS नोएडा है, इसके अलावा साकेत में भी कुछ स्कूलों को और बसंत कुंज में कुछ स्कूलों को ये मेल आए हैं। तो जो स्कूल है स्कूलों की ओर से लगातार दिल्ली पुलिस को जानकारी दी जा रही है और उसके बेसिस पर दिल्ली पुलिस स्कूलों में पहुंचकर स्कूल खाली करवा रही है और अब तक की लगातार जो तलाशी है जिसमें बॉम्ब स्क्वाड भी शामिल है, फायर डिपार्टमेंट के लोग हैं, तो एक तरह से लगातार अलग अलग स्कूलों में तलाशी अभियान चल रहा है। लेकिन अब तक कोई भी संदिग्ध सामान किसी भी स्कूल से बरामद नहीं हुआ है।